इधर अहमदाबाद के बेहरामपुर विस्तार में आए शंकर चंद मुखी की चाली में कई महीनों से स्थानीय लोगों को पीने का स्वच्छ पानी को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शंकर चंद की चोली में कई महीनों से पीने का पानी बेहद गंदा आ रहा है। पानी का रंग काला दिखाई दे रहा है और इसी पानी से वहाँ के लोग खाना बनाना, कपड़े धोना जैसे काम कर रहे हैं। इस गंदे पानी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले को लेकर लिखित और मौखिक अर्जी दी है, लेकिन आज तक उन अर्जियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गलियों की खराब हालत की वजह से लोगों को गिरने से कई बार चोटें भी आई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा म्युनिसिपल काउंसलर को भी फ़ोन कर पानी पीने का पानी गंदे पानी को लेकर परेशानी बताई, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कौशिका परमार, अहमदाबाद शहर प्रमुख एमआईएम पार्टी से। और आज हमारे यहाँ पे शंकर चंद चाली जो दाणी लिमड़ा बेहरामपुरा में आती है, वहाँ से मेरे को कॉल आया कि हमने बहुत सारे लोगों को आज कॉल किया है, हमारे बच्चे और हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। आज सुबह एक एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे जो खड्डे किए हुए हैं चाली के अंदर, वहाँ पे बुजुर्ग गिर गए हैं, उनको भी तकलीफ हो गई है आज, और काफ़ी लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे अर्जी की है कि मैम प्लीज़ आप ज़रूर यहाँ पर आइए और हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो मैं आज यहाँ पर आई हूँ, बेहरामपुरा दाणी लिमड़ा पड़ता है वार्ड, को वहाँ पर आके देखा तो इन लोगों ने बोला कि हमने अर्जियाँ दी हुई है 2 महीने से दी है, और 2 दिन से तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि पानी जो आता है ना उसके अंदर आप देख सकते हो कि पानी के अंदर भी कालापन जैसा है। उनके अंदर सब्जियां और गटर का इतना गंदा पानी आता है कि ये लोग पिए कैसे, बच्चे और बूढ़े और सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे तो सरकार बोल रही है कि भाई स्वच्छ भारत, हमारा कहाँ स्वच्छ भारत है। परिस्थिति तो आप देखिए कि हमारी अहमदाबाद की गलियों गलियों में आके एक बार सरकार देख के जाए कि यहाँ की परिस्थिति कितनी खराब है, हमारे यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब बीमार पड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि प्लीज यहाँ पे आके कॉरपोरेशन ध्यान दे, और ये जो लोग हमारी बहनें और हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग आके खड़े हुए, उनकी अर्जियाँ कबूल करके और यहाँ पे आके ये लोग सारा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ के कॉरपोरेटरों को इन्होंने फोन किया। तो प्लीज आप बताइए क्या बात की, आज फोन किया था ना सुबह जमुना बहन। बात करिए गुजरात अहमदाबाद शहर नी, तो अहमदाबाद शहर में आवेल बहरामपुरा वोर्ड में आज अपने यहाँ आया छे, तेरा तुमने ये बात करवा मांगी कि बहरामपुरा वोर्ड में शंकर चंद मुखी नी चाली आवेली छे। कहेवाय छे स्वच्छ भारत नी वातो मात्र कागळ उपर ज छे, जे रीतना एना दृश्य आपने बताविए तो तमे पण चौकी जशो के अहीना रहीशो कई रीते रहता छे। कॉर्पोरेशन नी कार्यवाही અહીંયા જુઓ તો લોકો ત્યાં એ લોકોની કાર્યવાહીથી ત્રસ્ત જોવા મળી રહ્યા છે। જે રીતે કહેવાય કે ગટરનું ગંદુ પાણી સવારે આવતું હોય છે તે દ્રશ્યો પણ આપને બતાવીશું। સૌથી પહેલા તો અહીંના રહીશો સાથે વાતચીત કરીશું। જી આપનું પરિચય? મારું નામ પરમાર ગોદાળી બેન છે, હું બેરામપુરા ઉઠવાઈ ચાલીમાંથી બોલું છું। મારે ક્યાં સવારે ગંદુ પાણી બહુ આવે છે, ગાદવ નબળું પીવા જેવું પાણી નથી આવતું, સાંજે એટલું પાણી ખરાબ આવે છે, તો અમે વેચાતું પાણી લાવીએ છીએ અને પીવાનું પાણી અમે બહારથી વેચાતું લાવીએ છીએ। ઘરે ઘરે બાળકો માંદા પડ્યા છે અને કહેવા જઈએ છીએ અમે, જ્યારે આપણે અરજી આપવા જઈએ છીએ તો અરજી અમારી હાથમાં લેતા નથી। અરજી આપવા જઈએ છીએ તો આજ તો 24 તારીખે મેં અરજી આપી, આજ 29 તારીખ થઈ તો અરજી કોઈ કંઈ સળિયા મારવા આવતા નથી, અને સળિયા મારવા આવે છે તો અમારી જોડે પૈસા માંગે છે, તો કે ઘરે ઘરે અમને ઉઘરાઈને પૈસા આપો તો અમે તમારા ગટરમાં સળિયા મારીએ, તો અમે એમ કહીએ છીએ તો અમારી અરજી કોઈ સાંભળતું નથી। તમારા વિસ્તારના કોર્પોરેટરને તમે આ જે તમારી પ્રોબ્લેમ છે એના વિશે જાણ કરી છે? જાણ કરી દી જમના મેને, અમે 15 બૈરા ગયા હતા કે ઓફિસ ઉપર હોવો કરવા, તો અમારી અરજી હાથમાં લીધી છે, આજ અમારે આટલા 29 તારીખે હજુ 15 દાડા જેવું થયું છે, ખોદીને જતા રહેશે, સામે જોવા કોઈ આવતું નથી। પાણી બહુ જ ગંદુ આવે છે, પીવા લાયક પાણી આવતું નથી, અને ગટરો બહુ જ ભરાયેલી છે, વાસ છોકરાઓ બહુ જ બીમાર અમારા પડે છે।
तो कही शकाय कि कॉर्पोरेशन द्वारा कोई ज प्रकार की कार्यवाही नथी करवामां आवी रही। अने जे रीते आपने रोड रस्ता नी वात करे तो रोड रस्ता पण જોઈ શકો છો આપ કે કઈ રીતની તેની હાલત છે, એના રહીશો કઈ રીતે રહેતા હશે, તો ચોક્કસથી કહી શકાય કે લોકોના આરોગ્ય સાથે પણ ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે। પાણી પણ જે પ્રકારનું આવ્યું છે આપને બતાવવા માંગીશ કે જે પાણી છે કાળા રંગનું આપ જોઈ શકો છો કે આપ ખુદ પણ તેને ન પી શકો તો તેઓ બહારથી આને પરચેસ કરે છે। તો જે રીતે સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ છે વારંવાર તેઓ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત પણ કરી છે, તો ચોક્કસથી કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે। કેમેરામેન ધર્મેશ ત્રિવેદી સાથે પંચાલ।